गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। पटरियों पर सोच करना पड़ा युवक को महंगा, जान तो बच गई पर उसके कट गए हाथ पांव। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है, कहां से आ रही है, लेटेस्ट अपडेट है जो कि जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है और आप लोगों को इसके ऊपर विचार भी करना काफी ज्यादा जरूरी है कि ऐसे जो मामले जो सामने आते हैं कि आज भी पटरियों के ऊपर लोग सोच करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसके ऊपर क्या सरकार को कोई अहम कदम नहीं उठाना चाहिए? आपका क्या विचार है, सरकार को आखिरकार इस चीजों के ऊपर क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल पे इस वक्त अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए। छत्तीसपुर जिले के हरियापालपुर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर 19 वर्षीय जो कि छत्रपाल जो लड़का है वो सुबह 5 बजे सोच करने के लिए नजदीकी पटरियों पर गया था। आप लोगों को पता है कि काफी सारे ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर नजदीकी पटरियां होती हैं, तो सुबह सुबह वहां पर लोग सोच करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके घर में ये सोच का कोई भी प्रबंध नहीं होता है। हालांकि सरकार तो काफी बड़ी बड़ी बातें बोलती है कि सोच का प्रबंध उनके घर में ही करवाया गया है और उनको काफी सारे जो कि फैसिलिटीज है वो भी दी गई है और सरकार वहां पर जाके सोच बनाती भी है, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि सोच के पैसे लेके खा जाते हैं पर उनकी आदत जो है वो खेतों में ट्रेनों में जाके ही सोच करने की है क्योंकि उनकी मेंटेलिटी अभी तक चेंज नहीं हो पाई है। ये जो पक्ष है दोनों तरफ का है क्योंकि लोगों की भी सोच बदलनी काफी ज्यादा जरूरी है और सरकार को भी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जो छत्रपाल है ये 19 वर्षीय है, सुबह 5 बजे नजदीकी पटरियों पर सोच करने के लिए गया और उस दौरान ही उसके साथ ये हादसा हुआ। आखिरकार उसकी जान तो बच गई पर उसके पैर और उसके हाथ कट गए। नजदीकी जिला हॉस्पिटल में उसका एडमिट करवाया गया है, अभी उसका इलाज चल रहा है, काफी ज्यादा गंभीर है। बोला तो जा रहा है कि हालांकि इसकी जान तो बच पाएगी पर ये अभी इसके बगैर हाथ पांव के बगैर रह कैसे पाएगा। जो गरीब है और भी ज्यादा ये अपने हाथ पांव की जो अमीरी थी इसके पास वो भी इसके पास अभी नहीं रही है और उसी दौरान ये भी सब चीजें पता चली कि आखिरकार इसको वहां पर पता क्यों नहीं चला है। अभी आपके माइंड में भी ये सवाल उठ रहा होगा। हम आपको ये चीज बता दें कि 19 वर्षीय ये जो लड़का है उसको सुनाई कम देता है जिसके कारण ट्रेन दूर से आ रही थी तो सुनाई नहीं दी। जब ट्रेन बाजू में आई तब उसको पता चला और सुनाई दिया, तब तक देरी हो चुकी थी और तब तक इसके साथ वो हादसा हो चुका था। तो आई होप गाइस आप लोग अपने विचार जरूर देंगे कि दोनों पक्षों को करना क्या चाहिए, लोगों की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए और सरकार को कोई चुंदा कदम उठाने चाहिए। जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।